चीनी मिल बलरामपुर प्रदूषण फैलाकर मचाया आतंक। जनपद बलरामपुर ग्राम बिशुनीपुर गोंडा रोड भगवतीगंज में चल रही चीनी मिल के उद्योगपति का आतंक, आम जनमानस बेहाल। ग्राम बिशुनीपुर पूर्व ग्राम प्रधान सुरेंद्र चौहान बताया कि काली राख और बगास हम लोगों के घरों में और छत पर पड़े रहते हैं और इस तरीके से प्रदूषण रहता है कि हम और हमारे यहाँ की जो जनता है 5 किलोमीटर तक इनका इस तरीके से आतंक फैला हुआ है। इस प्रदूषण पर कोई नियंत्रण नहीं है और जब इस विषय में मैंने कई बार जिलाधिकारी मुख्यमंत्री सभी को अवगत कराया लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। और पूर्व प्रधान सुरेंद्र चौहान ने कहा इसी प्रदूषण की वजह से मेरी दोनों आंखें खराब हो गई हैं और मेरी बहन को कैंसर हो गया। इसी तरीके से जो यहाँ के आम जनमानस हैं वह उद्योगपति के खिलाफ आवाज़ उठाने में डरते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का कहना है कि स्वच्छ भारत, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन को दे रहे झांसा, उद्योगपति के सामने ऐसी योजनाओं के माने कुछ मतलब नहीं है। वहीं देखा जाए तो यहाँ के घरों के सामने खड़ी हुई गाड़ियों पर जब इतनी काली राख जमी रहती है तो यहाँ के लोगों की खाने पीने वाली सामानों पर सेहत पर कितना असर पड़ता होगा। अब देखना ये होगा कि प्रदूषण अधिकारी क्या एक्शन दिखाते हैं। हमारा नाम सुरेंद्र कुमार, पूर्व प्रधान बिश्नीपुर। सुरेंद्र कुमार चौहान जी हैं जी, भूतपूर्व प्रधान आप ही जी? अच्छा अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है? चीनी मिल गेट के सामने पड़ रहा है, बिश्नीपुर बलरामपुर। बिश्नीपुर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है जी? जी। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में जो शुगर फैक्ट्री है जी, उसी के सामने रहते हैं जी? हमारा उसके सामने मकान है और हम लोग इतने परेशान है बलरामपुर चीनी मिल से कि हम लोगों को 3-4 किलो खाली छत पे राखी बांधना पड़ता है डेली। कौन सी राख? काली राख? काली राख, एकदम काली राख जी। जी, चाहे जब आप देख लीजिए हमारे छत पे कम से कम 4 किलो 5 किलो डेली हम लोग बांधते हैं रोज। दुकाने पर सब हम लोग को जीना दुर्लभ है। हमारे को आँख भी खराब हो गया, हमारे बहन को कैंसर भी हो गया इसी राखी से। है? इसी राखी से कैंसर भी हो गया जी बहन को जी? और आपकी आंखें भी खराब हो गई? हमारी आंखें भी खराब हो गई। बहुत से आदमी को ऐसे ऐसे 4 किलोमीटर तक इतने आदमी परेशान है कि क्या करें जी। जी, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं। इसके लिए कभी आपने कागज पत्र कुछ दिया? हमने कम से कम 10 साल से हमने कहा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।